ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल बत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लड़का होने के बहुत ही सटीक और पक्के लक्षण आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, जो भी हम अपने चैनल पर जानकारी देते हैं बहुत ही सटीक देते हैं, कई सारे लोगों से सर्च करने के बाद ही हम आपको उनकी जानकारी देते हैं, ताकि आप एक सही अनुमान लगा सकें, आपको एक सही जानकारी प्राप्त हो सके। लेकिन दोस्तों, फिर भी हम आपसे कहेंगे कि देखिए, इन लक्षणों का वैज्ञानिक कोई आधार नहीं है, ये सिर्फ आप अपनी उत्सुकता को कम करने के लिए ही देखा करें, क्योंकि कोई भी लक्षण हर गर्भवती महिला में हो जरूरी नहीं है। लेकिन इन लक्षणों में से अगर कुछ लक्षण आपसे मैच करते हैं तो आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले लक्षण की बात करते हैं दोस्तों। ये लक्षण आपको देखिए फर्स्ट या सेकंड मंथ में दिखाई देता है। अगर गर्भवती महिला को अपने यूरिन में फर्स्ट मंथ या सेकंड मंथ से बहुत ज़्यादा चेंजमेंट दिख रहा है, या आपका यूरिन बहुत ज़्यादा येलो हो गया, आप खूब सारा पानी पी रहे हैं फिर भी आपका यूरिन का कलर बहुत ज़्यादा चेंज है, तो ये साइन देखिए लड़का होने का माना जाता है। वहीं पर अगर आपके यूरिन में कोई भी चेंजमेंट नहीं है तो ये साइन देखिए लड़की होने का माना जाता है। दूसरे लक्षण की बात करें तो दोस्तों, अगर आपको देखिए फर्स्ट या सेकंड मंथ से ही बहुत ज़्यादा वोमिटिंग हो रही है, आप पानी भी पी रहे हैं तो वो भी उल्टी हो रही है, और आपको खाने पीने की चीज़ों की जो मतलब सुगंध है वो दुर्गंध लग रही है, बहुत ज़्यादा आपको उनसे स्मेल आ रही है, उससे आपका जी खराब हो रहा है, उल्टियाँ हो रही हैं, तो ये साइन देखिए लड़की होने का माना जाता है। वहीं पर अगर आपको खाने पीने की या सुगंध की कोई मतलब दिक्कत नहीं हो रही है, किसी भी चीज़ से आपको ज़्यादा मतलब स्मेल नहीं आ रही है, तो ये साइन देखिए लड़का होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, अगर पाँचवें महीने से भी अगर आपका पेट बहुत कम बाहर निकला हुआ है, यानी आपका पेट बहुत कम दिखाई दे रहा है पाँचवें महीने में, तो ये साइन देखिए लड़का होने का माना जाता है। वहीं पर तीसरे चौथे महीने से ही अगर आपका पेट बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ दिखाई दे रहा है, तो ये साइन देखिए लड़की होने का माना जाता है। अगला लक्षण है दोस्तों, अगर आपको पाँचवें छठे महीने में या आपको प्रेगनेंसी में कभी भी अगर अपने गले की जो आवाज़ है वो आपको भारी लग रही है, यानी आपको अपनी आवाज़ में भारीपन दिखाई दे रहा है, तो ये साइन भी देखिए लड़का होने का माना जाता है। माना जाता है कि जब गर्भ में लड़का होता है तो मेल वाले हार्मोन्स गर्भवती महिला में दिखाई देने लगते हैं। अगला लक्षण बहुत ही यूनिक लक्षण है दोस्तों, ये काफ़ी सारी गर्भवती महिलाओं ने हमारे साथ शेयर करा है, तो हम आपको शेयर कर रहे हैं, लेकिन इसको देखिए 100% मानकर ना चलें। दोस्तों, गर्भवती महिला को देखिए जैसे ही पाँचवा छठा महीना लगता है तो स्ट्रेच मार्क दिखाई देने लगते हैं। अगर आपके पेट पर जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं वो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं, यानी आपके जो स्ट्रेच मार्क्स हैं वो रेड कलर में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो ये साइन भी देखिए लड़का होने का माना जाता है। अगला लक्षण भी बहुत ही सटीक लक्षण बताया है दोस्तों। अगर आपको अपना बेबी देखिए बिल्कुल सीधा महसूस होता है, या बिल्कुल सेंटर में महसूस होता है, यानी आपको अपना बच्चा खड़ा महसूस होता है कि आपके पेट में मतलब सीधा अगर महसूस होता है, तो ये साइन देखिए लड़की होने का माना जाता है। वहीं पर अगर आपको अपना बच्चा साइड में महसूस होता है या पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा महसूस होता है, तो ये साइन देखिए लड़का होने का माना जाता है। नेक्स्ट सिम्टम है दोस्तों, अगर आपके वजाइना में दर्द बना हुआ है, आपके वजाइना में आपको हल्का फुल्का दर्द होता रहता है, आपकी ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा कड़क हो गई है, या आपके पेट में आपका बहुत ज़्यादा कड़क हो गया है, आपके पैरों में स्वेलिंग या दर्द की दिक्कत बनी हुई है, तो ये सभी साइन देखिए लड़का होने के माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये काफ़ी सारे लक्षण हमने आपको बताए हैं, जिनमें से अगर दो तीन लक्षण भी अगर आप में हैं तो उससे आप काफ़ी हद तक सही अनुमान लगा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को ओम श्री गणेशाय।